आरपीडब्ल्यू हॉस्पिटल बस्ताड़ा की ओर से हॉस्पिटल के प्रांगण में निशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ एवं एम्स नई दिल्ली के फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा चोपड़ा द्वारा निशुल्क परामर्श दिया गया व मरीजों की जाँच की गयी। इस मौके पर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति परमार, उदय प्रताप सिंह, डॉक्टर दीपक शर्मा दंत विशेषज्ञ, डॉक्टर वी के बांग्ला एवं डॉक्टर त्रिवेणी खुराना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और इलाज के लिए परामर्श दिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे कैंपों का आयोजन करना ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सहायता करने का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए यह पहला निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। आगे भी लोगों की सेवा के लिए इस तरह के कैंपों का आयोजन समय समय पर किया जाता रहेगा। इस मौके पर 300 के करीब ग्रामीण क्षेत्रों से व आसपास के क्षेत्रों से आए मरीजों द्वारा अपना चेकअप करवाया गया और इस निःशुल्क जाँच एवं परामर्श शिविर का लाभ उठाया गया। हमने ये कैंप लगाया है इसलिए ताकि जो हमारे आसपास के लोग या दूर से भी जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सेकंडली उनको पता लगेगा कि यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है और हम इनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। हमने इनको सारी सुविधा दी हुई है, यहाँ पे सब स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे और इनको देखा जा रहा है यहाँ पे अच्छी ढंग से और इनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। जिनको इन्वेस्टिगेशन करानी है उनके हम इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे हैं और ऐसे यही है कि हम इनकी मदद कर रहे हैं और इनकी हमारे स्वच्छ भारत जो है तो वो बनता है। जो ये कैंप लगाया गया है मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप, क्या पर्पज़ है इसका? इसका हमारा पर्पज मेडिकल कैंप लगाने का पर्पज है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मिले और लोग हमारे निःशुल्क कैंप का लाभ उठा सकें। आयुष्मान योजना के तहत हमारे यहाँ सारी सुविधा हर मरीज को फ्री में दी जा रही है, उसके दवाइयाँ, भर्ती, खाना वगैरह हम यहाँ उनको निःशुल्क प्रोवाइड उपलब्ध करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, यही हमारा मकसद है। तो आज कितने मरीज आए हैं, क्या क्या चेकअप किया जा रहा है यहाँ पर? अभी हमारे पास करीब लगभग 100 मरीज अभी तक आ चुके हैं, जिसमें आँखों की जांच हो रही है, हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं, मेडिसिन के आ रहे हैं, गायने के आ रहे हैं और डेंटल के आ रहे हैं, फिजियोथेरेपी के आ रहे हैं, इस तरह के सभी तरह के मरीज हमारे पास आए हैं। अभी ये कैंप 2 बजे तक चलेगा। किस तरह जागरूक करते हैं आप? हम लोगों को प्रचार करके जागरूक करते हैं कि पंपलेट्स है, प्रचार करके गांव-गांव तक ऑटो रिक्शा भेजते हैं ताकि लोगों को पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सकें। तो ये कौन सा कैंप है, पहला है या दूसरा? अभी पहला है। पहला कैंप, थैंक यू सर। इलाज किया जा रहा है किस तरह? यहाँ हम पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छे से उनको एडवाइस कर रहे हैं कि यहाँ पे आओ आप और यहाँ से अच्छे से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेडिसिन दी जा रही है, फ्री कंसल्टेंट है इनकी, फ्री इन्वेस्टिगेशन है इनकी और हम इस तरीके से जो है इस गांव में बस्ताड़ा में हमने अच्छे से इनका हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको। तो पेशेंट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, काफ़ी सारे आए हैं पेशेंट और काफ़ी सारे गाँव से काफ़ी बीमार लोग भी हैं जिनको हम यहाँ पर अच्छे से एडमिट भी करेंगे जो आएंगे हमारे पास। आयुष्मान का भी है हमारे यहाँ पैनल और उसमें भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मेडिसिन का चार्ज नहीं है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है, कोई कंसल्टेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई इन्वेस्टिगेशन की चार्ज नहीं है। कितने मरीज आए हैं आज? आज हमारे आ गए 35 के आसपास हमारे मरीज अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। अभी आज हमारा कैंप लगा है निःशुल्क जाँच एवं परामर्श शिविर 16 जून 2019 रविवार को किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे आसपास के गाँव के लोग और हमारे जो लोग नहीं जा पाते हैं महंगे ट्रीटमेंट या टेस्ट के लिए या दूर पड़ता है, वो यहाँ आकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे निम्नलिखित जाँचें हैं ये विदाउट एनी कॉस्ट हम यहाँ करके दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कोई यहाँ पे फीस नहीं ली जा रही है, परामर्श निःशुल्क है और यहाँ पर काफ़ी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं इस अस्पताल में। ऐसा मरीज़ अगर हमें ज़रूरत लगता है कि उनको भर्ती करवाना है तो हम वो भी अभी कर सकते हैं।